हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश मंडरा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडरा क्लास में। आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश बुक नेम गोल्डन रेज एंड चैप्टर नंबर 3 व्हिच नेम इज पॉजिटिव हेल्थ। कहने का मतलब हो गया आदर्श स्वास्थ्य। ठीक, तो सुनिएगा। पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय सुब्रत दत्ता। ये जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है, वो सुब्रत दत्ता द्वारा लिखित ठीक एक किताब है जिसका नाम है द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। चलिए, तो यहां से इस चैप्टर को लिया गया। नेक्स्ट सुनिएगा। She argues that positive health is a matter of disciplined daily routine, including good eating habits and tension-free minds. कहने का मतलब हो गया, वो argue करती है कि positive health जो है, ठीक है ना, जो आदर्श जो स्वास्थ्य है वो एक अनुशासित दिनचर्या है, ठीक, जिसमें गुड ईटिंग हैबिट्स को शामिल किया जाता है, जिसमें टेंशन फ्री माइंड्स को शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर वो पॉजिटिव हेल्थ की बात करती है इस चैप्टर में, वो एक अनुशासित दिनचर्या की बात करती है, वो गुड ईटिंग हैबिट्स की बात करती है, वो एक टेंशन फ्री माइंड की बात करती है, ठीक, वो कुल मिलाकर आपको पॉजिटिव हेल्थ के बारे में ज्ञान देना चाहती है। चलिए, ये कुछ बातें थी हमारे पॉजिटिव हेल्थ नाम का जो चैप्टर है उसके हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे डिटेल में हमारे इस चैप्टर की। कहने का मतलब अब हम एंटर हो जाएंगे हमारे चैप्टर में, लेकिन हमारे चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो जो वो पूरा देखना है, उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है। कारण ये है कि जो चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं, जो चैप्टर मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो सारा का सारा यही क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा यही समझ में आ जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप मेरा वीडियो पूरा ढंग से देखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की, तो देखते हैं लेखिका इस चैप्टर में क्या कहना चाहती है। तो सुनिएगा, सबसे पहले वो आपको पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा देती है। कहने का मतलब हो गया कि आदर्श स्वास्थ्य किसे कहते हैं वो बताती है। तो वो कहती है कि हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कहने का मतलब हो गया कि वही व्यक्ति आदर्श स्वस्थ व्यक्ति है, आदर्श रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, वही व्यक्ति पॉजिटिव हेल्थी है जो व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, है ना। कहने का मतलब हो गया कि जो फिजिकली स्वस्थ है और जो मेंटली स्वस्थ है ना, दोनों ही रूप से अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तभी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो आदर्श स्वास्थ्य रखता है। कहने का मतलब वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। नेक्स्ट बात करते, सुनिएगा, उसके बाद वो करती है बात करती है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, कि भाई विकासशील देशों में और विकसित देशों में क्या कंडीशन है स्वास्थ्य को लेकर। तो क्लियर करती है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएंगे, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब क्या, विकसित देश, मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, ये सारे देश, जापान वगैरह जो भी, तो वो विकसित देशों की बात करती है। वो कहती है कि विकसित देशों में जो है वो फिजिकल हेल्थ तो है, है ना। कहने का मतलब क्या, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक। क्या कारण है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वे जो लोग हैं वे अपने वातावरण को लेकर, है ना, अपने एनवायरमेंट को लेकर और अपने पोषण को लेकर, ठीक, अपने भोजन को लेकर वे काफी अवेयर होते हैं, ठीक। वे अपने वातावरण का काफी ख्याल रखते हैं और वे अपने खाने को लेकर, अपने भोजन को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर वे इनके प्रति काफी अवेयर होते हैं, इसीलिए वे फिजिकल हेल्दी तो होते हैं, ठीक। लेकिन वहां पर लोगों में, लोगों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने कि विकासशील देशों में होते हैं, जितने कि डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। वहां पर रिश्तों को लेकर किसी प्रकार का, मतलब हम ये कह सकते हैं वहां पर रिश्तों के लिए कोई ज्यादा खास जगह नहीं होती है। जैसे समझ लीजिए मित्रों के साथ, जैसे समझ लीजिए आपके परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, तो उनके साथ उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना अच्छा, इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, ठीक। तो वहां पर चूंकि रिश्तों की कमी है, ठीक, चूंकि वहां पर एक बॉन्डिंग की कमी है, तो इसीलिए वे मेंटल रूप से हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक। मतलब ये हो गया, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। समझ लीजिए कोई व्यक्ति, अगर समझ लीजिए किसी प्रकार का उसको, मतलब किसी प्रकार से वो चिंतित है, ठीक, तो वो अपनी चिंता जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक। तो जब वो व्यक्ति उस चिंता को शेयर नहीं करेगा, वो अपने मन में ही रखेगा, तो कहने का मतलब वो धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति जो है वो निराश होता जाएगा और वो एकदम से तप जाएगा। सीधा सा है कि भाई जब व्यक्ति मेंटल हेल्थी नहीं होता है तब क्या हो जाएगा, वो ड्रग डिपेंडेंस बन जाएगा, है ना। सीधा सा है कि वो ड्रग डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, है ना, उसमें साइकोलॉजिकल और मेंटल इलनेस आ जाएगी, ठीक। मानसिक रूप से और हम ये कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से जो है उसमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी और स्ट्रेस से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, ठीक, अगर वो व्यक्ति मेंटल रूप से हेल्दी नहीं है। तो इस प्रकार डेवलपिंग कंट्रीज में फिजिकल हेल्थ तो है लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं है।
अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर ली, अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, कहने का मतलब विकासशील देशों की, जिसमें हमारा देश आता है भारत, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक, नेपाल, ये सारे देश आते हैं। तो सुनिएगा, अब ये बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज की, तो वहां पर फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ है। कहने का मतलब हो गया कि वे शारीरिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं, वे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से काफी स्वस्थ होते हैं। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ क्यों नहीं होते, तो मैंने उसका कारण लिखा है एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इनका जो है वो काफी बेकार होता है। सीधा सा, ये अपने पर्यावरण को लेकर कोई खास अवेयर नहीं होते, ये अपने भोजन को लेकर, अपने पोषण को लेकर, है ना, या अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेकर, मतलब कहने का मतलब अवेयर नहीं होते। तो चूंकि अपने वातावरण के प्रति ये लापरवाह है, चूंकि अपने भोजन के प्रति लापरवाह है, तो इसीलिए इनमें फिजिकल हेल्थ की क्या रहती, कमी रहती। कहने का मतलब शारीरिक रूप से ये इतने स्वस्थ नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास अपना परिवार है, इनके पास इनके पड़ोसी हैं, इनके पास इनके मित्र हैं, ठीक, अपना सुख दुख बांट लेके लिए इनके पास लोग हैं, ठीक, उसके बाद में कहते हैं उनके जो बॉन्डिंग है, इनका जो कम्युनिकेशन है अपने लोगों के साथ वो काफी अच्छा है, तो ये भावुक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीधा सा है, ठीक, भावनात्मक रूप से इनके बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग रहता है, ये अपनी बातें, अपने सुख दुख जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने आप को हल्का कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति क्या है, ये मेंटल रूप से तो स्वस्थ है, लेकिन इनमें भी कमी है कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपने वातावरण को लेकर इतने अवेयर नहीं होते और अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेकर इतने अवेयर नहीं होते हैं। अब वो आगे बात बताती है कि भाई मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि भाई हमने बात कर ली डेवलप्ड कंट्रीज की और डेवलपिंग कंट्रीज की, कि भाई दोनों ही जगह जो लोग हैं, है ना, वे संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो मेंटल हेल्थ की कमी रहती है और डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो फिजिकल हेल्थ की कमी रहती है। लेकिन फिर भी वो डेवलपिंग कंट्रीज का पक्ष लेते हुए वो कहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पर आप आराम से पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हो। ठीक, वो कहती है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें हमारे वातावरण के प्रति क्या होना है, थोड़ा सा अवेयर होना है, और हमारे भोजन को लेकर, हमारे पोषण को लेकर हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। अगर हम ये कमी हमारे में से निकाल दें तो हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर जाएंगे। ठीक, तो हमारे लिए, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लेखिका बिल्कुल पक्ष में बात करती है कि अगर हम हमारे वातावरण को लेकर थोड़े से चिंतित हो जाए, अगर हम हमारे भोजन को लेकर, हमारे पोषण को लेकर अगर थोड़े से चिंतित हो जाए, तो आपको निश्चित रूप से आप किस में आ जाओगे, पॉजिटिव हेल्थ के अंतर्गत आ जाओगे। कहने का मतलब आप संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाओगे। आगे वो कहती है कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जो विकासशील जो देश हैं, ठीक, वहां के लोगों को, कहने का मतलब अपने जो स्वास्थ्य को लेकर, है ना, या मैं ये कह दूं उनको ज्यादातर डॉक्टरों पर निर्भर रहने की या मेडिसिन पर रहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर पॉजिटिव हेल्थ अगर पॉजिटिव हेल्दी बनना है, कहने का मतलब अगर आपको फिजिकल हेल्दी बनना है, ठीक, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, तो आपको डॉक्टरों के ऊपर ज्यादातर आधारित रहना पड़ेगा या मेडिसिन के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, वो कहती है कि हमें डॉक्टर्स की और दवाइयों की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक, हमें नहीं लेनी चाहिए। वो कहती है हमें हमारे शरीर को समझना चाहिए, ठीक, हमारे शरीर की गतिविधियों को समझना चाहिए, उसके बाद में हमारे हमारे जो घरेलू जो नुस्खे हैं उन्हें अपनाना चाहिए, हमारे जो देसी नुस्खे हैं उन्हें अपनाना चाहिए। ठीक, पहले हमें वो उपचार करना चाहिए, उसके बाद अगर हमें जरूरत लगती है, ठीक, आप समझिए, आप सोचिए, आप विवेकशील बनिए और आप देखिए अगर आपको जरूरत लगती है कि नहीं अब हमें डॉक्टर की जरूरत है, नहीं अब हमें दवाइयों की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तब जाकर आप लीजिए। लेखिका ये भी कहती है कि मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको मेडिसिन का सहारा नहीं लेना चाहिए, आपको डॉक्टर्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि 40 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर बार अपने शरीर का चेकअप करवाना चाहिए। ठीक, वो बिल्कुल कहती है कि आपको अपने 40 की उम्र के बाद आपको अपने शरीर का चेकअप करवाना चाहिए, आपको मेडिसिन भी लेनी चाहिए, लेकिन वो कहती फिर भी आप इतने समझदार बनिए, इतने विवेकशील बनिए कि आप देखिए कि वास्तव में क्या हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, वास्तव में क्या हमें मेडिसिन की जरूरत है, उसके बाद आप ये काम करिए। ठीक, बाकी आपको किसी प्रकार से डॉक्टर्स पर और मेडिसिन पर ज्यादातर आधारित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर अच्छी मेडिसिन के पास जाएंगे, है ना, मतलब अच्छी मेडिसिन का सेवन करेंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर लेंगे, हम फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आगे लेखिका कहती है वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज। उसने बताया कि भाई हमें हमारे शरीर को समझना चाहिए, ठीक, हमें उसके हर एक गतिविधि को समझना चाहिए। अब वो आगे कहती हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने हमारी क्षमता को खो दिया। ठीक, कौन सी क्षमता को, वो कहती है कि हम हमारी बॉडी को जो है नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं। ठीक, तो कहती है हम हमारे शरीर पर जो नियंत्रण रखते हैं उस क्षमता को हमने खो दिया है। फिर आगे वो कहती है वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, और हम हमारे बॉडी के जो सिग्नल्स हैं, है ना, हमारी बॉडी के जो संकेत हैं उनको भी नहीं समझते हैं। अगर हम हमारे संकेतों को समझे,
ठीक, कहने का मतलब अगर हम हमारे शरीर पर अगर नियंत्रण रखें ठीक, तो हम बिल्कुल फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। उसे ये कहा है कि भाई हमें डॉक्टर्स की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें मेडिसिन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप पहले अपने शरीर को समझिए ठीक, आप उसके आने वाले संकेतों को समझिए, आपका जो शरीर है वो जो आपको सिग्नल्स भेजता है उनको समझिए ठीक, आप अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीखिए, तब जाकर कहने का मतलब आप ऑटोमेटिकली जो है फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर जाएंगे ठीक। हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं, हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है हमारे शरीर को समझने की, हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने की, हमारे शरीर के द्वारा आने वाले संकेतों को समझने की। वो कहती है कि एनिमल्स ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, है ना, वो कहती है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर जो होते हैं, वो अपनी आंतरिक चेतना पर काफी विश्वास करते हैं ठीक, और इसीलिए देखिए उनका स्वास्थ्य हमसे बेटर है। जो इंसान है उनकी हेल्थ से जानवरों की हेल्थ ज्यादा अच्छी है ठीक, क्यों, क्योंकि वो अपनी आंतरिक चेतना को समझते हैं, उसकी सुनते हैं। आगे लिखी हुआ कहती है कि प्रकृति ने सभी जानवरों को ऐसी शक्ति दी है कि वे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वे अपनी देखभाल कर सकते हैं। वो बताती है कि जो जानवर जो है ठीक, वे क्या करते हैं, जैसे उन्हें समझ लीजिए कि जानवरों को नमक की आवश्यकता है, तो जानवर जो है ऐसे स्थान को ढूंढेंगे जहां पर मिट्टी में नमक की मात्रा है, और वे वहां पर फिर उस मिट्टी को चाटेंगे और चाट कर अपने शरीर के अंदर की जो नमक की जो कमी है उस कमी को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद देखिए वो बताती है कि जानवर जो है वो वास्तव में अपने आंतरिक जो जो अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं उन्हें समझते हैं ठीक, उन्हें सुनते हैं, अपनी आंतरिक चेतना की सुनते हैं, और देखिए वो उतना ही भोजन करते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता है, तभी उनमें मोटापे की शिकायत नहीं होती जिस प्रकार मनुष्य में होती है। क्यों मनुष्य में मोटापे की शिकायत क्यों होती है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर से आने वाले संकेतों को समझता नहीं है, वो अपनी आंतरिक चेतना की सुनता नहीं है, और फिर वो अपनी मन मर्जी करते हुए या कहने का मतलब अपने भोजन के प्रति लापरवाह होकर ठीक, मतलब फिर वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखता और अंततः वो क्या बन जाता है, मोटा ठीक, तो उसमें मोटापे की शिकायत हो जाती है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वे अपने शरीर से आने वाले संकेतों को समझते हैं, वे अपनी आंतरिक चेतना की सुनते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई प्रकृति ने हर जानवर को ऐसी शक्ति दी है कि वो अपने आप को स्वस्थ बना सकता है ठीक, वो अपनी देखभाल कर सकता है। तो वो आगे उदाहरण देती कि देखिए जितने भी मांसाहारी जानवर हैं ठीक, वे मांस खाते हैं, लेकिन जब भी उनका पेट गड़बड़ होता है, जब भी उन्हें दस्त लगती है ठीक, जब उनको अपच की शिकायत होती है, तब वे क्या करते हैं, वे घास खाते हैं, और घास खाने के बाद उनकी ये जो दस्त है, उनका ये जो अपच है, वो ठीक हो जाता है ठीक। तो कुल मिलाकर आपको यही बताना चाह रही कि देखिए प्रकृति ने हर जानवर को ऐसी शक्ति दी कि वो अपनी देखभाल कर सकता है ठीक है। तो बताइए जानवरों को कहाँ डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी, जानवरों को कहाँ मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी। वो इसीलिए कहना चाहती है कि मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब अपने जो घरेलू जो नुस्खे हैं, या कहने का मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे लिए जो उपचार है, उन उपचारों को अपनाना चाहिए, बजाय डॉक्टर्स की दी हुई राय, बजाय डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन। लेखिका कहती है कि हमें विज्ञापनों की नहीं सुननी चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट की नहीं सुननी चाहिए, है ना, हमें हमारी आंतरिक चेतना की सुननी चाहिए, जिस प्रकार जानवर करते हैं। जानवर जो है वो किसी विज्ञापन के पीछे नहीं भागते हैं ठीक, वे किसी एडवर्टीजमेंट के पीछे नहीं भागते, वे अपनी आंतरिक चेतना की सुनते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं ठीक। तो कुल मिलाकर वो यही कहती है हमें हमारी आंतरिक चेतना की सुननी चाहिए, हमें हमारे शरीर के संकेतों को समझना चाहिए। आगे वो फिर वो कहती है ओवर जेलस पेरेंट्स, है ना, कुछ माता पिता जो है वो अति उत्साही माता पिता होते हैं ठीक, ओवर जेलस होते हैं ठीक। तो क्या कहना चाहती है सुनिका, जो अति उत्साही जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों पर बार बार दबाव डालते हैं, खाना खाओ खाना खाओ, क्यों, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, बल्कि इसलिए नहीं कि उन्हें भूख लगी। कहने का मतलब लेखिका आपको कहना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को जो है उन्हें अपने शरीर के संकेतों को समझने देना चाहिए ठीक। आप उन पर दबाव मत डालिए कि खाने का टाइम हो गया इसलिए आपको खाना करना है ठीक, आपको खाना है ठीक, आपको भोजन करना है, आप ऐसे मत कीजिए। आप उन्हें खुद को अपने संकेतों को समझने दीजिए, उन्हें जब भूख का एहसास होगा तब वे आपसे कहेंगे कि हमें भूख लगी है और हमें खाना दो ठीक। या फिर आप अपने बच्चों को इस प्रकार सिखाइए कि भाई आपको जैसे ही भूख लगे तब हमें बताओ, हम आपको खाना देते हैं ठीक। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाहती है कि भाई हमें बच्चों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि वो अपने शरीर के संकेतों को समझे ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अति उत्साही जो माता पिता हैं वे क्या करते हैं, वे बच्चों को ठीक उस माहौल में ढालते ही नहीं है कि वे अपने शरीर से आने वाले संकेतों को समझे ठीक। और धीरे धीरे जो है इनके शरीर के जो आने वाले जो संकेत हैं फिर वो धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब फिर शरीर भी उन्हें किसी प्रकार के संकेत भेजना, है ना, मतलब चाहता नहीं है, वो भी संकेत भेजना बंद कर देता है, और फिर उनके अंदर शारीरिक रूप से क्या आने लग जाती है, कमजोरी आने लग जाती है। अब लेखिका बात करती है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, है ना। एक्सपेक्टेशंस का मतलब हो गया अभिलाषाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब हो गया जिम्मेदारियां। माता पिता क्या करते हैं, कई बार एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस का दबाव अपने बच्चों पर डालते हैं ठीक, और जब बच्चे उनकी अभिलाषाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं तब वे निराश हो जाते हैं।
ठीक, वे हताश हो जाते हैं और कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वे ड्रग डिपेंडेंस भी बन जाते हैं, कहने का मतलब है ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस प्रकार का प्रेशर, अपनी अभिलाषाओं का, अपनी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर उनके ऊपर नहीं बनाना चाहिए। वो कहती हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव गाइडेंस एंड केयर, कि बच्चों को है ना उनके ही तरीके से उन्हें जीने देना चाहिए। हाँ, बस हमारा कर्तव्य यही है कि हम उन्हें अच्छे से प्यार करते हुए पाले पोसे, हम उन्हें अपने गाइडेंस में पाले पोसे और हम उनकी देखभाल करते हुए उन्हें पाले पोसे। ठीक, उसके बाद वो कहती हैं विदाउट टू मच प्रेशर, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं देना चाहिए, है ना। अपनी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मैंने आपको बताया, अभिलाषाओं का प्रेशर अपने आपको बताया मैंने आपको, कि भी माता पिता अपनी अभिलाषाओं का जो प्रेशर है, दबाव जो वो अपने बच्चों पर बनाते हैं, तो वो हमें नहीं बनाना चाहिए। उसके बिना ही हमें हमारे बच्चों को पालना चाहिए, उनके ही तरीके से उन्हें बड़ा होने देना चाहिए। हाँ, हमें उसके साथ क्या डालना है, हमारा प्रेम, ठीक, हमारी देखभाल और हमारा गाइडेंस, वो ये बात बताती है। चलिए आगे लिखिएगा, कहती है वी शुड अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वो कहती हैं कि हमारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक, और हमें उन जिम्मेदारी को समझना चाहिए। किसके प्रति जिम्मेदारियां, कौन सी जिम्मेदारी की बात करती है, तो वो बात करती है हमारे संसार के वातावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां उनकी बात करती है। वो कहती है भाई चूंकि आप माता पिता हो, ठीक, तो माता पिता होने के नाते आपकी आपके वातावरण के प्रति जो जिम्मेदारियां बनती है उनको आपको समझना चाहिए। कहने का मतलब वो क्या कहना चाहती है, वो यही कहना चाहती है कि भाई आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, ठीक है, तो आपको उनके लिए एक पर्याप्त स्थान छोड़ना है, इस धरती पर एक पर्याप्त स्थान छोड़ना है। कहने का मतलब वो क्या बात कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि आपको जनसंख्या नियंत्रण रखना है। कहने का मतलब आपको परिवार नियोजन की बात करनी है, ठीक, आपको एक बच्चा या दो बच्चे की पद्धति को अपनाना है, ठीक, तभी तो हम परिवार नियोजन कर पाएंगे, तभी तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर वो जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात कहती है कि हमें एक बच्चा या दो बच्चे पद्धति को अपनाना चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि हमें बच्चों के बीच में 3 या 4 साल का गैप भी रखना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को उसके माता पिता का पर्याप्त प्रेम मिल सके, उसके बाद में उसकी जो माता है वो भी काफी अच्छे से स्वस्थ रह सके। सीधा सा है, वो कहती है कि अगर हम माता को अगर स्वस्थ रखेंगे, ठीक, तो अपने आप परिवार जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ माता ही एक स्वस्थ परिवार की कुंजी है। उसने इस प्रकार की बात बताई है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वो कहती है मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस। अब वो कहती हैं कि हमें किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, है ना, हमारा जो मानसिक तनाव है, कुल मिलाकर वो मेंटल हेल्थ की बात करती हैं कि भाई हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। लेखिका आपको कहना चाहती है कि भाई आपको आपके मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए, है ना। कहने का मतलब आपका जो मस्तिष्क है उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के कारण कई प्रकार के रोग आपको लग सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हृदय को लेकर कई प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, ठीक, तो कई प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेस पालते हैं, अगर आप अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव पालते हैं। तो कुल मिलाकर वो ये कहती है कि हमें हमारे मस्तिष्क का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, हमें तनाव से दूर रहना चाहिए। चलिए आगे लिखिएगा, कहती है ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। वो कहती हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो साल में 2 बार, ठीक, साल में 2 बार हर व्यक्ति के ऊपर खतरा आता है, या तो वो बीमार होता है या फिर वो क्या हो जाता है, चोटिल, ठीक। तो औसतन हर व्यक्ति साल में 2 बार या तो बीमार पड़ता है या फिर वो क्या हो जाता है, चोटिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको, कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर आपको उपचार की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो कहती है कि आपको ऐसी चीजों से घबराना नहीं है, ठीक। उसका कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति बीमार पड़ता है, हर व्यक्ति कभी ना कभी चोटिल होता है, ठीक, तो आपको ऐसी चीजों का सामना करना है। तो वो कुल मिलाकर यही कहना चाहती है कि आपको घबराना नहीं है, आपको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, है ना, बुद्धिपूर्ण आपको ऐसी समस्याओं से निपटना है, ठीक, आपको अपने शरीर को समझना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी, है ना, घरेलू नुस्खे से, ठीक, या किसी प्राकृतिक तरीके से आप उस समस्या से निपट सकते हैं, आप अपनी उस बीमारी से निपट सकते हैं, आप अपनी उस चोट से निपट सकते हैं, तो पहले वो काम कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनकी दवाइयों को लेना चाहिए, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए और उनकी दी हुई दवाइयों का, उनकी दी हुई मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। उसके बाद वो बताती हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, तो ये ज्ञान आपकी आपातकालीन स्थिति में काफी काम आएगा, ठीक, आपके प्राथमिक उपचार में भी काफी काम आएगा।
अंत में वो आपको निर्देश देती है कि भाई बिना किसी समझदार व्यक्ति के, है ना, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको किसी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए इस निर्देश के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, इस चैप्टर में काफी अच्छी बातें बताई गई हैं, आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बातें बताई गई हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको चैप्टर यही कहता है कि आपको मेंटल रूप से भी हेल्दी बनना है और फिजिकल रूप से भी हेल्दी बनना है, तभी जाकर आप पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति बन पाएंगे। तो हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए, अब मेरे हिसाब से मैंने आपको चैप्टर से संबंधित सारी बातें बता दी, मैंने अपने हिसाब से सारी बातें क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब बात आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक, अगर आपको लगता है कि किसी और भाई बहन के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।